दिल्ली प्रदेश कांग्रेस डेलीगेट व एडवोकेट सरफराज अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देशव्यापी ऑनलाइन अभियान स्पीक अप इंडिया की शुरुआत किया है, जिसमें किसानों के लिए आवाज उठाया जा रहा है, स्पीक अप फॉर फार्मर्स। सरफराज अहमद सिद्दीकी ने कहा कि आज देश का हर नागरिक भाजपा सरकार द्वारा सदन में किसान विरोधी कानून लाने के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, और यह राष्ट्रीय हित में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है कि वह अपने देश के किसानों के साथ एकजुटता दिखाए और इस किसान विरोधी बिल के खिलाफ आवाज उठाए। सरफराज अहमद सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ खेती विरोधी 3 काले कानून को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और मंडी व्यवस्था खत्म न होने की गारंटी दी जाए। इसके लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस 26 सितंबर से स्पीक अप फॉर फार्मर्स की शुरुआत की है, जिसका जबरदस्त देश भर में समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जिला एवं ब्लॉक स्तर पर किसान मजदूर बचाव समिति अभियान की शुरुआत किया है, जिसमें 28 सितंबर को राजघाट से राजभवन तक मार्च किया जाएगा। 2 अक्टूबर को दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा में पीएम का पुतला दहन होगा और 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। 10 अक्टूबर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस किसान सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।